पाप जल गए, वो जो पुण्य बचे उससे ध्यान लगा, तो कईयों ने शरीर छोड़ दिए और नया शरीर प्राप्त किया, और कईयों ने ध्यान में बैठ करके रास्ता आरंभ किया। अच्छा जरा विचार करो, आप जो घर से चलकर यहाँ कथा में आए हो, कथा में आए हो ना, तो कोई घर में ही बैठ के यहाँ क्या हो रहा है इसका आनंद? आपको ये कैमरे चल गए हैं और अभी लोग फोन पे देख रहे होंगे लाइट, उसकी बात नहीं कर रहे, अगर लाइट नहीं चल रहा होगा तो यहाँ क्या हो रहा है? वैसे भी लाइट अगर चल रहा है तो कई बार ऐसी चीजों की नहीं भी लाइट वाले कवर कर पाते हैं, नहीं देखा पाते, तो क्या वो हर एक चीज को देख पाएंगे जो घर में बैठे हैं? उनका यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब देख पाएंगे। ऐसा नहीं है महाराज कि पार्टी में आप रसगुल्ले खा रहे हो और घर में जाकर के घर में बैठा हुआ इंसान ये कहे कि मैं तो रसगुल्ला खाकर ही आ गया, नहीं, उसे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अलग बात है, यहाँ रास्ते जो नहीं जा पाई है वो ध्यान में रास्ता पहुंच गई अपने ध्यान से, क्योंकि रास बाहर नहीं होता, अंदर होता है। गोपिकाएं आई हैं, भगवान ने सबका स्वागत किया है, परीक्षा लेनी चाहिए है, लेकिन सभी गोपिकाओं ने भगवान को तत्व का विषय बताया कि आप कहते हैं कि हम स्त्रियां हैं पर पुरुष के पास नहीं आना चाहिए, लौट जाओ, तो हमें ये बताइए कि आप पर पुरुष हैं? अरे जीव आपसे निकल कर आता है, आप उसको दूर करके संसार में भेजते हैं, अरे आपसे बड़ा रिश्तेदार हमारा है कौन? और सच बताइए महाराज, सब बने बनाए रिश्ते हमें यहाँ मिलते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता किसका है? भगवान का है। भगवान कोई कथा ही सुना देती है, भगवान पतिव्रता नारी के बारे में बताते हैं, तो वो गोपी का ही प्रश्न कर लेती है, कहती है कि एक पतिव्रता नारी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका पति विदेश गया, तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें साथ में नहीं लेके जा सकता, पति रोने लगे कि मुझे साथ में लेके चलो, पति पति नहीं माना, उसने कहा तुम रो मत, मैं तुम्हें देखूंगा ही अपना घर के लिए कुछ कमाऊंगा, और पति ने कहा मैं कैसे रहूंगी, तो वो गया और एक चित्रकार के पास अपना फोटो बनवा लाया अपने जैसे, और कहा देखो इसको देख करके जब तक मैं ना हूं तो समझ लेना मैं ही हूँ, किसी को देख के भोजन करो, किसी से बातचीत कर लिया, बेचारी भोली भाली पत्नी ने वो फोटो रख दिया, उसको विदा किया, 12 साल हो गए वो नहीं आया, वो फोटो कोई देख करके 12 साल बाद जब उसका पति दरवाजे पे आता है, खटखटाता है, अरे देवी